चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नमस्कार, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं एक नई चीज बनाने के लिए। देखिए तो आज हम क्या बनाते हैं, किसी चीज का जो घर में जो बच जाए उसका बेस्ट हम क्या यूज कर सकते हैं। ये देखें, जब घर में घी बनाए तो ये नीचे निकलता है ना घी का, ये पूरा फ्रेश घी, प्योर घी का, ये इसका हम आज बर्फी बनाएंगे। ये है पिसी चीनी, ये है सूजी, आटा, ड्राई फ्रूट, प्योर घी, कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर, ये खोआ। ठीक, आइए बताएं हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसको गैस चला के खोए को भून लिया। खोआ या मावा भूनने के लिए हमने एक टीस्पून घी डालना है, सिर्फ एक टीस्पून घी डालेंगे। इसके अंदर हम अपना मावा डालेंगे। ये एक टीस्पून घी में डलेगा क्योंकि मावा घी सोख नहीं करता है ज्यादा, वो जितना भी मावा हो एक चम्मच घी में भून जाता है। इसका थोड़ा हमको कच्चापन निकालना है, और अगर आप इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करना मांगते हैं तो अपन इसमें इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे। ये देखिए, बस आधा टीस्पून के करीब, आधा भी नहीं है, थोड़ा कम इलायची पाउडर डाल के इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है इसको, बस ये घी छोड़ रहा है इसका मतलब ये हो गया। इसको हम इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया एक प्लान हो गया है, इसको हम अलग कर देंगे। अब एक कढ़ाइया लेके इसमें हम डालेंगे अपना घी। ये सब एक एक कप है, एक कप छोटा ये मीडियम, एक ये, एक ये। करीब एक कप के करीब इसमें घी डलेगा। जैसे घी हमारा गर्म होता है, सबसे पहले इसमें हमने इलायची फ्लेवर छोड़ना है ताकि कच्चे घी का भी हमको टिंज ना आए इसके अंदर। इलायची पाउडर डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत अच्छा है, और स्मेल भी जो होती है खत्म कर देता है जिस चीज। विल ऐड आटा, इसी के साथ हम अपना डालेंगे ये छोटा सा कप एक सूजी का। इसको हम कब तक हिलाएंगे, जब तक ये पूरा तरह से रेड ना हो जाए। ये देखिए हमारा आटा कितनी सुंदर तरह से ये पिंक हो गया है। इसको दो मिनट के लिए हमने और भूनना है, बहुत काला नहीं करेंगे इसको। बस ये देखिए हमारा आटा ये भून चुका है बिल्कुल अच्छे से। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें अपना, थोड़ा सा धीमी करेंगे आँच इसकी ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए, ये देखिए, ये डाला। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे अपना ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट के साथ डलेगा इसमें मावा। ये एक पाव मावा मंगाया था हमने। ये देखिए मावा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डालेंगे अपनी शक्कर। गैस को कर दीजिए बंद ताकि नीचे से लगने ना लग जाए। ये देखिए मीठा आपके अकॉर्डिंग ही डलेगा। आप तेज मीठा खाना मांगते हैं तो तेज डलेगा, अगर आप इसको माइल्ड खाना मांगते हैं कि नहीं खाते मीठा ज़्यादा, तो इट डिपेंड्स कि आप इसमें कितना मीठा प्रेफर करेंगे।
हमारी गैस जो है नीचे से बंद है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और एक जिस थाली में निकालना है या परात में निकालना है या प्लेट में निकालना है उसको हम पहले थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे घी के साथ, ताकि जब ये जम जाए, ये देखिए हमारा ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, बहुत बढ़िया। इसको हम एक थोड़ा सा घी डाला, इसको हम इससे ब्रश कर देंगे, ताकि जब हम इसकी बर्फी या जो भी स्लाइसेस निकालें तो ये नीचे लगे ना, बस दैट इज ऑल। ये देखिए दिस इज डन। दिस इज अमेजिंग अमेजिंग, इसकी समझ नहीं आती है ये क्या बना है। इसके साइड्स और ये सब इक्वल कर लेंगे हम, ताकि जब इसके हम किनार इसको हम काटेंगे पीसेस में, डायमंड में काटिए या स्ट्रिप्स में काटिए, देखिए हम इसको दबा रहे हैं तो हल्का सा घी ऊपर आ रहा है, हल्का सा, इतना ही घी होना चाहिए, इसमें ज़्यादा डलेगा तो ऊपर तक तैर के आ जाएगा वो। इसके लिए आप पर्टिकुलर हो जाइए, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है ये, आप चाहें तो इसको, अब इसको थोड़ी देर के लिए अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसके पीसेस काट के आपको दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए खाइए, खिलाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, हमारी नोटिफिकेशन आपके पास बराबर मिलती रहेगी। एंजॉय कीजिए, बहुत यम्मी है, खाइए और खिलाइए। बाय बाय।